में हो रही वेश्यावृत्ति से परेशान ग्रामीण आज मिनी सचिवालय पहुंचे और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर वेश्यावृत्ति के धंधे को बंद करवाने की मांग की। ज्ञापन देने वाले मनोज कुमार गुर्जर ने बताया कि लाहक आवास में हो रही वेश्यावृत्ति से आसपास के ग्रामीण काफी परेशान है। ऐसे में ग्रामीणों की महिलाएं और बालिकाओं को उस रास्ते से निकलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि जब गांव में कोई रिश्तेदार आते हैं तो वेश्यावृत्ति करने वाली महिला उनको झाला देकर बुलाती है और उनसे पैसे ऐंठ लेती है। जब उनसे इस तरह का काम नहीं करने के लिए मना करते हैं तो वह मारपीट करने को उतारू हो जाती है। ऐसे में आसपास के ग्रामीण परेशान हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस समस्या पर कोई समाधान नहीं कर पा रहे हैं। काफी बार ग्रामीण एकत्रित होकर स्थानीय प्रतिनिधि के पास भी होकर आए, लेकिन आज तक गांव में होने वाले वेश्यावृत्ति के धंधे को बंद नहीं किया गया। उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह को भी बताया कि जिस जगह वेश्यावृत्ति हो रही है उस जगह पुलिस द्वारा लगातार गश्त व्यवस्था बढ़ानी चाहिए या फिर होने वाले वेश्यावृत्ति के धंधे को पुलिस को बंद करवाना चाहिए। इधर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह ने कहा कि ग्रामीणों द्वारा बताई गई समस्या पर ध्यान देते हुए क्षेत्र में पुलिस गश्त और जिस तरीके से वेश्यावृत्ति का धंधा हो रहा है उस पर ही जल्द से जल्द अंकुश लगाया जाएगा। हमारे गांव में जो वेश्यावृत्ति का धंधा चल रहा है उसे सभी लोग परेशान हैं, क्योंकि वहां पे आने जाने वालों के भी समस्या होती है। रिश्तेदार आते हैं उनको भी झाला दे दे के बुलाते हैं और बुला के उनको गलत काम के लिए कहते हैं और पैसे उनसे मांगते हैं और प्लस में वहां से झगड़ा वगड़ा करते हैं। कोई भी बंदा आता है सड़क पे तो उनसे लड़ाइया झगड़ा करना, विवाद करना, सिर फोड़ देना आदि अनेक कार्य करते हैं वो। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का क्या रुझान है आपकी? स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं जो हमारी कोई समस्या का हल नहीं करते हैं, उनको कई बार बोल भी दिया गया है गांव वालों की तरफ से पर कोई हल नहीं निकाला है। अभी पुलिस से क्या मांग है? पुलिस से यही मांग है कि जो भी जो वेश्यावृत्ति का जो धंधा है वो बंद कर दिया जाए। हमें उनके जो रहने वाले हैं उनसे कोई आपत्ति नहीं है, वो चाहे रहे पर जो भी वो गलत काम वेश्यावृत्ति होती है वो बंद किया जाए। कई बार शिकायत दी है पुलिस को? काफी दफे दे दिया गया है, कम से कम 5-7 बार। अभी आप किससे मिलने आए हैं? अभी यहाँ पे कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से। आप थाना अधिकारी के पास गए, क्या मामला हुआ वहाँ, क्या कहा उसने? उन्होंने कहा था कि मैं इस बारे में क्या कर सकता हूँ, मैं गांव वाला आया तो आप रास्ता बदल दो या मैं इनको उठा नहीं सकता। आपके बुजुर्ग बता रहे थे गांव छोड़ने की बात? हाँ, गांव छोड़ने की भी कही गई थी। तो या तो गांव छोड़ दो आप या फिर रास्ता बदल दो। तो ये काम कैसे कर सकते हैं? हम बहुत काफी टाइम से रह रहे हैं गाँव में। समस्या ये है कि जो ये बेसाबंदी का धंधा हो रहा है इसकी हमने कई बार रिपोर्ट की, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। और कल था सीआई साहब ने मुझे कहा आप ये तो रास्ता बदल दो या गांव छोड़ दो, मैं इसको कहाँ उठाऊँ, कहाँ ले जाऊँ, इसको कहाँ बसाऊँ। यहाँ सुनाई होनी चाहिए या दूसरी तीसरे दफे यहाँ आए हैं कलेक्टर के पास और एसबी के पास जो कार्य कर रहे हैं। हाँ हाँ, उनसे परिवार में क्या फर्क पड़ रहा है? गहरा फर्क पड़ता है जी, हमारी बहन बेटी या रस्ते में जाने वाले बाण बेटी जाती आती है, सबको असर पड़ता है साहब। इस चीज का रोड पे बस रहे हैं वो। अभी मैंने इनसे वार्ता की कि वास्तव में कुछ इश्यू है इस तरह का, तो हम लोकल यहाँ शहर से कोई टीम भेज करके आज ही उसका वेरिफिकेशन करा लेंगे और वास्तव में कोई अनैतिक कार्य हो रहा है तो जो भी लीगल कार्रवाई है वो करवाएंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि जो SHO है वो ये कह रहे हैं कि आप गाँव रास्ता बदल लो या गाँव छोड़ के चले, उस पर क्या? बिल्कुल, अभी मेरे संज्ञान में आया अगर ऐसा है तो वास्तव में तो गलत है और इस पर भी पूरा इंक्वायरी करवा लेंगे और है तो बिल्कुल दंडित करेंगे। क्योंकि आप अभी आपकी प्रोसेसिंग चल रही है गुंडे बदमाशों को पकड़ने की और लोग वहाँ लगातार इस तरह की धमकी दे रहे हैं, टेलीफोनिक भी बताया गया है, मारने की धमकी का एक मामला है। बेसिकली मैंने मौका देखा नहीं है, नीड होगी तो पर्सनली मौका भी देख लेंगे और वहाँ जरूरत होगी तो पुलिस का वहाँ प्रेजेंस हम रखवा देंगे। जैसा उन्होंने बताया कि मूवमेंट में कुछ इशू आ रहा है, लोगों के कोई कमेंट करते हैं इस तरह का, अगर इशू होगा तो हम पुलिस की वहाँ प्रेजेंस करवा देंगे और गड़बड़ हो रही है उसको ठीक करवाने का प्रयास करेंगे। आज ही